रोहड़ू में शनिवार को महिला मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पर्यटन निगम की उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद विशेष रूप से मौजूद रही। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने रोहड़ू विधानसभा में जहां 123 बूथ पर 120 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा, वहीं रोहड़ू में पर्यटन को लेकर नई योजनाएं शुरू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया, जिसमें रोहड़ू में पर्यटन को विकसित करने में 3,03,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जो मंजूर हो चुके हैं। हाँ जी मैडम जी, आप महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, इस नाते आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आज अपनी रोहड़ू की बहनों से मिलने के लिए मैंने थोड़ा सा इनसे अनुरोध किया था और ये सभी बहनें आज सुबह मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी रोहड़ू में बहनें जो हैं वो जागृत हैं और आने वाले समय में यहाँ पर 123 बूथ हैं, उन्हें 123 बूथ में महिलाओं को जागृत करना भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का कार्य है और आने वाले समय में उन सभी बूथों में जो एक बूथ में 20 बहनों का जो हम गठजोड़ बना रहे हैं उनका एक सम्मेलन करने का हमने आग्रह किया है इन बहनों से और इनसे कहा है कि संगठन की रीति नीति के माध्यम से आने वाले 2022 के चुनाव उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसी के तहत आज हमारी एक बैठक थी। मैडम जी, पर्यटन निगम में आप बतौर उपाध्यक्ष आप उपाध्यक्षा है, इस नाते आप क्या कहना चाहते हैं कि रोहड़ू में जो पर्यटन विकास की जो संभावनाएं हैं, किस तरह से आप रोहड़ू पर्यटन को आगे ले जाना चाहती हैं? देखिए, मैं अपने टूरिज्म के दृष्टि से जो है वो इस विजिट पे हूँ और मैं नए नए हम जो है आयाम ढूंढ रहे हैं कि नए नए आयाम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज जैसे कल हमने हाटकोटी में जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 3,03,00,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली। अब हम चांशल जा रहे हैं और आते हुए हम रोहड़ू में रुककर यहाँ के जो नज़दीकी कुछ पर्यटन क्षेत्रों को जिनको विकसित कर सकते हैं उनको दृष्टि में देखते हुए उसके बारे में जो है वो आने वाले समय में सरकार को जो है वो बताएंगे। मैम, ये पब्बर बेसिन में साहसिक टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? हाँ जी, वो बना हुआ है, उसी को हम कल देखेंगे मॉर्निंग में। उसके बारे में विचार जो है वो हमने अपनी टीम के साथ किया है और 8 तारीख को शिमला में इसके ऊपर बैठक है, उसी में जो है वो निर्णय लेकर CM साहब से अप्रूव करके इसको फाइनल कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रोहड़ू से ब्रजेश फिश्टा की रिपोर्ट।